हाय गाइस, आई एम मेघाचंद, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, यानी कि मार्केट जैसा एलोवेरा जेल आप घर पर ही कैसे बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट जैसा एलोवेरा जेल आप घर पर बना सकते हैं? अगर नहीं सोचा है तो डोंट वरी, सोच लीजिए, क्योंकि आज हम घर पर ही बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसा एलोवेरा जेल। देखिए फ्रेंड्स, जो मार्केट का एलोवेरा जेल होता है उसमें काफ़ी केमिकल्स भी होते हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं ताकि वो काफ़ी दिन तक स्टोर करके हम रख सकें। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर ही वो एलोवेरा जेल कैसे बना सकते हैं जिसमें कि बिल्कुल भी केमिकल नहीं होगी और कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होगा जो आपके स्किन को हार्म पहुंचा सके। देखिए, एलोवेरा जेल एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में भी हम यूज़ करते हैं, यानी कि बालों में आप जेल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, फेस प्राइमर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जब इसके इतने बेनिफिट्स हैं तो फिर हम घर पर ही क्यों नहीं बनाएं इसे? तो घर पर आज बनाने का आइडिया शायद बुरा नहीं है और मैं आपको आज पूरी प्रोसेस इसका दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप घर पर एलोवेरा जेल बहुत आराम से बना सकते हैं और इसको एक महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बशर्ते आप इसको फ्रीज में रखें। अगर आप एक महीने तक इसको फ्रीज में रखते हैं तो इसके ब्यूटी आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे और बाज़ार के कंपैरेटिवली आप अगर घर पर बनाएंगे और घर पर बनाए हुए एलोवेरा जेल के रिजल्ट्स देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, दिखाती हूँ मेरे गार्डन में कितने एलोवेरा लगे हुए हैं, आप देख ही पा रहे हैं। इन्हीं में से मैं दो लीव ले लूँगी। आप याद रखिएगा, एलोवेरा में जो सबसे मोटी लीव होती है वो रखते हैं, क्योंकि वो ही एलोवेरा हमारे काम का होता है। जो छोटी छोटी पतली पतली लीव्स होती हैं उनमें एलोवेरा कच्चा रहता है, जिसकी वजह से बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपका एलोवेरा जल्दी ख़राब हो सकता है। अब मैंने ये वॉश कर ली थी, उसके बाद इसको कट कर लूँगी और इसकी सारी की सारी स्किन इससे अलग कर लूँगी। स्किन अलग करने के बाद मैं इसका पल्प एक कंटेनर में कर लूँगी। गाइस, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि अब मेरा एलोवेरा का सारा पल्प निकल गया है। अब हम इसको मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हमें कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद हम इसको मेजर कर लेंगे कि एक एटलीस्ट कितना है। ये मेरा 250 मिलीलीटर का है, तो लेकिन ये पूरा नहीं आ पाया है, ये 200 मिलीलीटर है। इससे क्या होगा कि हमें आसानी होगी सारे इंग्रेडिएंट डालने में, कि हमें किस में कितना डालना है। उसके बाद फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो है स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि बिल्कुल भी जो पल्प है वो ना आ पाए और हमारा हमें प्योर एलोवेरा जेल मिल पाए। उसके बाद हम गैस ऑन कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। रीज़न बीइंग कि अगर इसमें कोई पानी है तो वो सोख लेगा और हम आसानी से इसको एक महीने तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड, जब इसमें आपको दिखेगा ना कि इसमें एक बॉयल आ चुका है, तो उसके बाद आपको दिखेगा कि ऊपर की साइड कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं जिसको आपको सर्विस स्पून की हेल्प से हटाना होगा। ये देखें फ्रेंड्स, एज यू कैन सी कि इसके ऊपर एक उबाल टाइप आ गया है, यानी कि ये गंदगी टाइप है, वो हम सब हटा देंगे ताकि हमें एक क्लियर ट्रांसपेरेंसी अपने एलोवेरा जेल में मिल पाए। जब ये हटा देंगे तो फ्रेंड्स, आपको इसमें जिलेटिन ऐड करना है। जिलेटिन हमने अगर के बिहाफ पे ऐड किया है, क्योंकि मुझे मार्केट में अगर नहीं मिला था। अगर आपको मिलता है तो वो वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको इसमें इतना जिलेटिन ऐड करना है। एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपका ठंडा होने के बाद भी ये एलोवेरा की फॉर्म में नहीं आता है तो दोबारा स्टोव पे रखने के बाद इसमें आप थोड़ा सा जिलेटिन और ऐड कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून तक, उससे ये आपका एलोवेरा की फॉर्म में आ जाएगा।
अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम विटामिन ई के 2 कैप्सूल ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसको 1 महीना रखेंगे तो एज अ प्रिजर्वेटिव हम इसमें विटामिन ई के 2 कैप्सूल ऐड करेंगे। उसके बाद फ्रेंड हम इसमें कोकोनट ऑयल के 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका मार्केट जैसा कलर नहीं आ रहा है, मार्केट जैसा कलर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कोई भी इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया है, ना ही इसमें कोई केमिकल है, ये बिल्कुल केमिकल लेस है। लेकिन गाइज इसके रिजल्ट बिल्कुल मार्केट से भी अच्छे होंगे, रीज़न बीइंग क्योंकि बिल्कुल केमिकल लेस है और इसमें कोई भी ऐसा प्रिजर्वेटिव नहीं है जो आपके स्किन को हार्म पहुँचाए। किसी किसी को अगर लगता है कि हम उनको एलोवेरा सूट नहीं होता है तो एक बार ज़रूर घर का ट्राई कीजिए। अब देखिए इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको 3 से 4 घंटे से फ्रिज में रखना है। तो फ्रेंड्स आप देख ही चुके हैं पूरा प्रोसेस कि घर पर ही आप मार्केट जैसा एलोवेरा जेल किस तरीके से बना सकते हैं। चैनल पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव अ बिग थम्स अप टू माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फैम इन्फॉर्मेशन अप। थैंक यू।